हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड्स आईएएस। लास्ट डिस्कशन में मैंने आपसे पूछा था मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच होती है। कंट्रीज के नाम बोल रहा हूँ, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, मॉन्टीनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और दो आइलैंड कंट्रीज है, माल्टा एंड साइप्रस। फ्रेंड्स, ये सारी कंट्रीज़ के नाम डायरेक्टली आपको याद नहीं रहेंगे, इन कंट्रीज़ को आप मैप में लोकेट करना। जब आप मैप में लोकेट करोगे तो वो जो इमेज रहेगी आपके माइंड में, उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। वो ऑप्शन ऐसे ही देंगे जिससे एक बार आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। आपको ये याद रखना है कि गाजा स्ट्रिप है वो मेडिटेरेनियन सी को टच करती है और उसके साथ में जॉर्डन एंड इराक टच नहीं करते हैं। लेट्स मूव टू टुडेज फर्स्ट टॉपिक। टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज रानी लक्ष्मीबाई। फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि ये पूरे इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन में, इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में जब भी आपको लगे कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, आप जो टाइम टेबल बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, चारों तरफ से आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाए, तो उस टाइम पे जस्ट उस सिचुएशन को इमेजिन करना कि रानी लक्ष्मीबाई की जो युद्ध भूमि की जो सिचुएशन है उसको इमेजिन करना, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के ऊपर बैठी हुई है और उनका जो छोटा बच्चा है वो उनकी पीठ पे बांधा हुआ है और घोड़े की जो रस्सी है उन्होंने दांत से पकड़ रखी है ताकि उनके दोनों हाथ में तलवार है और दोनों हाथ से वो ब्रिटिशर्स को मारती जा रही है। उस सिचुएशन को जस्ट इमेजिन करना और आपको अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके आगे बहुत छोटी लगने लगेगी और आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी उस इवेंट से और आपको वापस बाउंस बैक करने में हेल्प मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बचपन में आपने कविता भी सुनी होगी, उसके दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। बुंदेले हर बोलो के मो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको पेड ट्रिब्यूट टू द रानी लक्ष्मीबाई ऑन हर 191st बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट पेड किया है। वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उनके अंदर एक मेजर जो लीडर्स है, जो झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई है जो अपने झांसी एरिया की वहाँ लीडर थी, और भी जो लोकेशंस थी उनके डिफरेंट लीडर्स थे, जैसे कि कानपुर के अंदर थे नाना साहेब। सी वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1828 इन वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। 1853 के अंदर जो महाराजा ऑफ झांसी की क्या डेथ हो गई तो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई करके झांसी को एनेक्स करने की कोशिश की, और झांसी को एनेक्स करने की कोशिश की तब महारानी लक्ष्मीबाई का एक फेमस कोट था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो लक्ष्मीबाई की बात करें तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के जो कमांडर थे सर ह्यूग रोज, उनको बहुत ही अच्छे से लड़ाई की और सर ह्यूग रोज ने मेंशन किया है कि रानी लक्ष्मीबाई वाज द ओनली मैन अमंग द रेबेलियन। ये बहुत बड़ी बात है जब कोई अपना शत्रु है वो अपने देश के किसी लीडर के बारे में ऐसी बात कर रहा है कि इसको, और बैटल फील्ड के अंदर ही उनकी डेथ हो गई 1858 के अंदर। अब बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उन्होंने जो अपने फर्स्ट रेजिमेंट है फीमेल रेजिमेंट उसका भी नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये एनेक्सेशन पॉलिसी है जो लॉर्ड डलहौजी ने मेनली इसको यूज़ किया जब वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू दिस एनी प्रिंसली स्टेट दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद द रूलर डिड नॉट हैव अ लीगल मेल हेयर, मीन्स अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उस केस में जो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में वो जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। एज पर द, कहने का मतलब है कि जो अडॉप्टेड सन है वो उसको अपना नहीं मानेंगे और जो एज पर दिस एनी अडॉप्टेड सन ऑफ द इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज हेयर टू द किंगडम। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया सबसे पहले सतारा के अंदर 1848 के अंदर, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, और झांसी पे अप्लाई किया 1853 के अंदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस इंटरनेट। स्पेस इंटरनेट बेसिकली जो स्पेस एक्स है जो प्राइवेट लीडिंग कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्टार लिंक। इस प्रोजेक्ट में वो क्या करेंगे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट को यूज़ करते हुए
लो कॉस्ट एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी पूरे वर्ल्ड को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी जो स्पेस जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब ये स्पेस बेस्ड जो इंटरनेट है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो सेलेक्टिव यूजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूज़ करके। अब बात करते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट की न्यूज़ में। इट इज़ ए स्पेस एक्स प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ ब्रॉडबैंड नेटवर्क विद अ क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट है वो ऑर्बिट करेंगे कहाँ पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और इस जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें यूज़ किया जाएगा हॉल थ्रस्टर्स को जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और क्रिप्टन गैस को यूज़ करके इम्पल्स को जनरेट करेंगे। स्टारलिंक नेटवर्क इज़ वन ऑफ सेवरल ऑन गोइंग एफर्ट्स टू स्टार्ट बीमिंग डेटा सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। अब ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये जो अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसके द्वारा ये रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो सर्वे कंडक्ट किया गया है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद रखना। और वर्ल्ड टॉयलेट डे उसको मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड के अंदर क्या है कि इंडिया की जो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट है उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड दी जाएगी, किस बेसिस पे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सैनिटेशन के जो पैरामीटर्स है उनके बेस पे। अब इसके क्या क्या फाइंडिंग्स है, टॉप 3 स्टेट्स कौन से, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है पेदापल्ली, फरीदाबाद, रेवारी। स्टेट विथ मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन कौन सा है, यूपी। और कॉरपोरेट्स ने भी उसको रोल प्ले किया है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट में, किसके अंदर, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2019 के अंदर। मीन्स प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें। अब इस रिलेटेड मेन्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवारिप्पा। सोवारिप्पा से रिलेटेड न्यूज हमने पहले भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की है, जब जो इंडिया के जो सिस्टम की बात की थी, आयुष सिस्टम को हमने डिस्कस किया था तब। तो अभी क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेवारिप्पा को इस्टेब्लिश किया है कहाँ पे, ले, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट है वहाँ पर। इट इज़ ए ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो सेवारिप्पा जो सिस्टम है उसको प्रमोट करना और उसको रिवाइव करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेवारिप्पा है, इज ए एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर सेवारिप्पा सिस्टम। और ये दूसरे जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर काम करेगा। कौन कौन से एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज वाराणसी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ले, इनके साथ मिलकर काम करेगा। अब बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो पहले जो वाले जो सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, और अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवारिप्पा सिस्टम है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। इट विल हेल्प टू रिवाइव द सेवारिप्पा सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एंड ऑल्सो लिंक द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ सेवारिप्पा विथ मॉडर्न साइंस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब सेवारिप्पा सिस्टम की बात करते हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ हीलिंग, इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है तिब्बत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जो इनका ओरिजिन कहाँ पे है, तिब्बत में है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज में मेनली फॉलो होता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया एंड रशिया। और यूथोग योनतेन गोनपो जो तिब्बतियन नाम है उनको ये बोलते हैं फादर ऑफ सेवारिप्पा। इंडिया के अंदर बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में मेनली ये यूज़ होता है। और मेजोरिटी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेवारिप्पा इज सिमिलर टू आयुर्वेदा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में कन्फ्यूज कर सकता है, याद रखना है इसको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिन्होंने अभी क्या बोला है कि जो प्रोटेस्ट ओवर द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल की जो प्राइसेस इंक्रीज होने के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट का जो क्रैकडाउन हुआ उसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, कहाँ, ईरान के अंदर। तो बेसिकली ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है वो कौन से फील्ड में वर्क करता है, ह्यूमन राइट के फील्ड में वर्क करता है। इस पर प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। द US इकोनॉमिक सेंक्शन ऑन ईरान एंड द राइज इन गैसोलिन प्राइसेस इन द कंट्री हैव रिजल्टेड इन ए कोलैप्स ऑफ ईरानियन करेंसी। ईरान की करेंसी का नाम क्या है, रियाल, जैसे इंडियन करेंसी है रूपीज़।
अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, इट इज़ ए लंदन बेस्ड एनजीओ फाउंडेड इन 1961 और कौन से फील्ड में वर्क करता है, ह्यूमन राइट के फील्ड में वर्क करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल एनजीओ की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एनजीओ है वो किस फील्ड में वर्क करता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया 1948 के अंदर। ये जो है वो फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन राइट के इशू को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया यूनिवर्सली। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च, जनरेट्स एक्शन टू प्रिवेंट ग्रेव एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट एंड डिमांड जस्टिस फॉर दोज हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। बेसिकली ह्यूमन राइट के फील्ड में ये वर्क करता है और उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है जहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज, इसको नोबेल प्रीस प्राइज मिला 1977 के अंदर फॉर डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर इसके लिए, और यूनाइटेड नेशन प्राइज भी मिला है 1978 के लिए। किस फील्ड में? ह्यूमन राइट के फील्ड में। अब मेंस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इन सिक्योरिंग ह्यूमन राइट। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके सऊदी अरेबिया जा रहे थे तब वो पाकिस्तान के वहाँ पे लैंडिंग करवाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, डिनाइल ऑफ द यूज़ ऑफ एयर स्पेस टू इंडिया। इंडिया को जो उनका एयर स्पेस है उसको यूज़ करने के लिए परमिशन नहीं दी, तो उस केस में इंडिया ने जो इशू है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस इशू को उठाया है, इसलिए न्यूज़ में है। तो बॉडी को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया था 1944, मींस इंडिया के टर्म्स में बात करें तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले इसको इस्टेब्लिश किया था 1944 के अंदर। विच लेड द फाउंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन। ये इसका बेसिक पर्पज है। इंडिया इज अमॉन्ग इट्स 193 मेंबर कंट्रीज है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अब आगे चलते हैं, जो प्रीलिम्स 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। बुद्धा से रिलेटेड न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था दो दिन पहले, कल डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। कौन कौन सी लोकेशन बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है? अब बात करते हैं कौशल की। कौशल वो वाली लोकेशन है, सबसे पहले कौशल को देख लेते हैं, जो बुद्धा ने अपनी जो लाइफ के लास्ट जो 20 इयर्स वहाँ स्पेंड किए थे, और जो किंग जो पसेंदी थे वो उनके वन ऑफ द मोस्ट डिवोटेड डिसिप्लाइंस थे। कहने का मतलब कौशल जो है वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु से बुद्धा जो जिन 29 ईयर्स की एज में जब उनका सन के जन्म हो गया था तो वो कपिल वस्तु से चले गए थे मगध में, किसके लिए? इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। कहने का मतलब मगध भी उनकी लाइफ से रिलेटेड है। तो 3 और 4 जिस ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन कौन सा है? 3, 4 सी भी है और डी भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अवंती और गंधारा जो है वो लोकेशन बुद्धा ने वहाँ पे विजिट नहीं किया, वो उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो वो वाले सारे ऑप्शन कट कर दो जिसमें ऑप्शन 1 और 2 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ये इसमें कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 3 और 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2015, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अ ग्लोबल ह्यूमन राइट मूवमेंट, ये जो ह्यूमन राइट के फील्ड में वर्क करता है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।